हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं। देखिए, आज हम लोग बहुत ही बड़ा चीज सीखने जा रहे हैं। इसमें देखिए, देखने के लिए तो ये बहुत ही छोटा चीज है, लेकिन इसको अगर आप यूज करने जाएंगे और टेक्निकल तरीके से अगर आप इस चीज को यूज करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा इसमें। तो देखिए, आपको मैं आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताने वाला हूँ। तो देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये चीजें आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा कि ये क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप निकालते भी होंगे, लेकिन मैं आज एक टेक्निकल तरीके से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको निकाल के दिखाऊंगा और वही वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट फॉलो करता है। आप ये समझ लीजिए कि आप कहीं से देख के और निफ्टी का कोई भी आप लेवल निकाल लेते हैं, तो निफ्टी के कोई भी लेवल आपको निकालने से पहले आप देखते हैं कि कोई सा एक सपोर्ट होता है हमारा, एक रेजिस्टेंस होता है और नीचे की तरफ एक हमारा सपोर्ट होता है। तो देखिए, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये निकलते कैसे हैं, तो ये निकालना हमारा काम। देखिए, यहां से हम लोग निकालेंगे और वो अगर आप निकाल सीख गए अच्छे से तो हम लोग यहां से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए, मार्केट हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ये फॉलो करता है और हमेशा फॉलो करता है। आप देखेंगे कि अगर ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन रहा है और ये हमारा एक सपोर्ट बन रहा है तो मार्केट क्या होता है, मार्केट अगर यहाँ पे है तो चलते चलते जाता है ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे एक कैंडलस्टिक चार्ट बनता है और वो कैंडलस्टिक चार्ट एक रिवर्सल होता है और मान लीजिए वहीं से रिवर्स होके मार्केट इस सपोर्ट तक आता है और यहीं पे आके रुकता है। ये अपना, देखिए मैं आपको चार पांच सपोर्ट बताऊंगा, ये इसमें कैसे आप सपोर्ट निकालते हैं और कैसे निकालेंगे ये चीजें आपको समझनी है यहाँ पे। तो देखिए, मार्केट हमेशा फॉलो करता है। आप ये समझ लीजिएगा कि ये मैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताने वाला हूं, इसका रेलेवेंस मार्केट में बहुत ही ज्यादा है और अगर आप ये सीख जाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना तो आप समझ जाएंगे कि मुझे कहां से बाई करना है और कहां से सेल करना है। तो देखिए, ये तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत ही बड़ी चीज है। अगर आप ये चीज समझ जाते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग आप एकदम इजी तरीके से आप समझ सकते हैं कि कहां से आपको बाई करना है और कहां से सेल करना है। तो चलिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। पहला मेरा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो देखिए, हम लोग यहां से पढ़ने जा रहे हैं सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट हो गया और हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये हम लोग पढ़ेंगे आज। तो देखिए, सपोर्ट को मैं एस लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस को मैं आर लिख देता हूँ। इसमें देखिए, इसमें दो चीजें हैं, फैक्टर्स है, एक फैक्टर्स है। देखिए, ये मैं टेक्निकल तरीके से आपको ये सब चीजें बताने जा रहा हूँ, ऐसा मार्केट में आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए, ये सारी चीजें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए होती है, वो लोग समझते हैं, वो मैथमेटिक्स के तरीके से ये मार्केट को समझते हैं और मार्केट को समझ के वो लोग पता लगाते हैं कि कहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है और कहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। देखिए, बुलिश मार्केट में ऐसे अगर बुलिश मार्केट है, मार्केट बुलिश है, लेकिन लेकिन एक जगह पे क्या होता है, एक जगह पे जाके बुलिश मार्केट भी रुक जाता है और वहां से वो रिवर्स ले लेता है। अरे ऐसा क्यों, जब बुलिश मार्केट है तो बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे नीचे आके ऐसे बढ़ते जाना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या होता है, एक रिवर्सल पॉइंट आता है और वहां से रिवर्स होके और ये अपने सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट पे आके और फिर जाके ये एक इसको ये क्रॉस ओवर करता है, यहां से क्रॉस ओवर करता है। तो देखिए, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप जानना सीख गए, अगर आप यहां से जान जाते हैं कि ये हम मेरा मार्केट कहां से वो रिवर्स होगा और कहां तक आएगा और फिर उसको कैसे क्रॉस ओवर करेगा, तो आप इजिली प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप समझ सकते हैं यहां से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो उसके बाद हम मैं आता हूं फैक्टर्स पे। तो देखिए, यहां पे एक चीज होता है डिग्री, ठीक है, ये हमारा डिग्री होता है। यहाँ पे हम लोग डिग्री कैसे निकालते हैं, तो यहां से होता है हमारा 45 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, फिर उसके बाद 120 डिग्री, फिर उसके बाद 135 डिग्री और 180 डिग्री। ये आप समझ लीजिए, ये मैं छोटा सा चीज बता रहा हूँ आपको, ये चार चीज पांच चीजें हैं। यहाँ से 45 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के बाद मेरा हो गया 120 डिग्री, 120 के बाद 135 डिग्री और 135 के बाद 180 डिग्री। तो ये सब क्या है, ये डिग्री हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, तो ये डिग्री हम लोग निकाल रहे हैं। देखिए, 45 डिग्री आ जाते हैं हम लोग, 45 डिग्री कैसे निकालते हैं, तो 45 डिवाइडेड बाई हम लोग करते हैं 180, 45 डिवाइडेड बाई 180 कितना आता है, डिवाइडेड बाई 4, 1/4, 1/4 इक्वल टू 0.25 आता है। तो ये हमारा 0.25 क्या हुआ, ये हमारा फैक्टर हुआ,
ठीक है। अब देखिए इसी फैक्टर से मैं कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालूंगा, ये सब चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। ये फैक्टर और ये डिग्री कोई नहीं बताता है, तो ये डिग्री और फैक्टर अगर आपको पता चल गया तो आप एग्जैक्टली एग्जैक्ट पॉइंट आप निकाल सकते हैं सपोर्ट का। और निफ्टी, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी शेयर हो, रिलायंस हो, या फिर कोई भी HUL हो, ये हमेशा डिग्री और फैक्टर्स को एकदम ही रेस्पेक्ट करते हैं। मार्केट रेस्पेक्ट करता है इन टेक्निकल चीजों को, डिग्री को, फैक्टर्स को। तो देखिए यहां से मैं 90 डिग्री का निकाल रहा हूं फैक्टर, तो 90 डिग्री का फैक्टर कितना होगा, 90 डिवाइडेड बाय 180 कितना हुआ, 1/2 इक्वल टू 0.50 हो गया हमारा, ठीक है। यहां से आता हूं मैं 120 डिग्री का मेरा कितना होगा, 120 डिवाइडेड बाय 180 कितना हुआ मेरा, यहां से आ जाता है 0.66, ठीक है, 0.66 का मेरा ये फैक्टर आ गया, ये मेरा फैक्टर आ गया। अब 135 डिवाइडेड बाय 180 इसका मेरा फैक्टर कितना आता है, 0.75, ठीक है। ये फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स आप डिवाइड करेंगे 0.75 आया, 180 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल टू 1, ये हमारा फैक्टर हुआ, ये हमारा फैक्टर हुआ, ये हमारा फैक्टर हुआ, ये हुआ और ये हुआ। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से क्या लेना देना है, तो देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट इक्वल टू अंडरस्कोर प्राइस प्लस फैक्टर का होल स्क्वायर। अभी देखिए ये हो गया हमारा असली, यहां से हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं। आप समझ सकते हैं कि लोग बोलते हैं कि ये एक सपोर्ट हुआ, ये एक रेजिस्टेंस हुआ, आखिर वो निकलता कहां से, आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये निकलता कहां से। ये यहीं से निकलता है, आपने देखा होगा कि कोई कोई बोलते हैं कि मार्केट का आज इतना सपोर्ट है, आज इतना रेजिस्टेंस है, मार्केट आज यहां तक नीचे गिर सकता है, आज यहां तक ऊपर जा सकता है, तो वो चीज कहां से निकल के आती है, वो चीज यहीं से निकल के आती है। तो देखिए रेजिस्टेंस में हम लोग सपोर्ट में क्या, हम लोग सपोर्ट में यहां पे माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें नीचे की तरफ सपोर्ट लेना है। और हम लोग रेजिस्टेंस में क्या करेंगे, अंडरस्कोर प्राइस, ठीक है, अंडरस्कोर प्राइस प्लस फैक्टर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से कैसे हम लोग निकालते हैं, अभी देखिए मुझे सपोर्ट निकालना है। अभी मान लीजिए मार्केट चल रहा है, मार्केट अभी आज का अभी मान लीजिए 225 अभी किसी शेयर का प्राइस है, ठीक है, ये हमारा शेयर प्राइस है, हमारा शेयर प्राइस कितना चल रहा है 225, मान लीजिए 225। मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी सबका निकाल के आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकालते हैं। एग्जैक्ट यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है और वो हम लोग डिग्री से ही निकालते हैं। तो ये डिग्री बहुत ही अच्छा चीज है, आप समझ रहे हैं, डिग्री और फैक्टर्स को हम लोग ऐसे सपोर्ट के फॉर्म में लिखते हैं। और ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्म हो गया। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारा यहां अगर ये अंडरलाइन है, ठीक है, अंडरलाइन चल रहा है, स्पॉट चल रहा है, यहाँ पे अंडरलाइन का स्पॉट चल रहा है, अगर यहाँ पे चल रहा है तो ये हमारा ऊपर की तरफ जो लाइन बनता है वो रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब मार्केट जा रहा है और यहाँ पे रेजिस्ट हो रहा है, मतलब कोई ना कोई ऐसा चीज है, कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है, पाइवोट पॉइंट है, जो कि यहाँ पे आके इसको रोक रहा है, इसको रोक रहा है ऊपर जाने से, ठीक है। तो ये हमारा होता है रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्ट कर रहा है, इस चीज को ऊपर जाने से इसको रेजिस्ट कर रहा है। और ये हमारा हो जाता है सपोर्ट, नीचे की तरफ सपोर्ट, मतलब यहां पे आके निफ्टी को या फिर किसी भी अंडरलाइन को, किसी भी स्पॉट को, किसी भी शेयर को, यहां पे आके कोई ना कोई ऐसा चीज है, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है जो कि सपोर्ट कर रहा है, जो कि सपोर्ट कर रहा है कि नहीं नहीं इससे नीचे नहीं जाना है, इससे ऊपर। अब यहां से क्या होगा, यहां से बायर्स जो है एक्टिव हो जाते हैं और यहां से सेलर्स एक्टिव होते हैं। ये देखिए इसका बहुत ही ज्यादा, ये आप समझते जाइए, सपोर्ट पे क्या होते हैं, सपोर्ट पे बायर्स एक्टिव होते हैं, ठीक है, बायर्स एक्टिव होते हैं, और रेजिस्टेंस पे हमारे सेलर्स एक्टिव होते हैं, सेलर्स एक्टिव होते हैं। इन सब चीजों का बहुत ही ज्यादा रिलेवेंस है, आप समझ सकते हैं। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर सेलर्स एक्टिव, ये सबको पता होता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, आप तो एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, आप छोटे इन्वेस्टर हैं, लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनको ये चीज पता है कि
सपोर्ट पे जाके हमें एक्टिव हो जाना है, बायर्स को एक्टिव हो जाना है सपोर्ट पे। तो जितने भी सारे इन्वेस्टर होते हैं, जितने भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं, एक साथ यहाँ पे सपोर्ट पे आके एक्टिव हो जाते हैं कि अब तो सपोर्ट आ गया, अब हमें बाई करना है। क्योंकि देखिए अभी मार्केट गिरते जा रहा है। आप सोचेंगे कि यहां से और भी गिरेगा, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो यहां से मार्केट को मतलब चलाते हैं, जो बाई करते हैं ज्यादा, जो सेल करते हैं ज्यादा, जिनकी क्वांटिटीज ज्यादा है, मार्केट को ऐसे चलाने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वहीं से तो मार्केट ऊपर नीचे होता है। अगर मैंने बाई किया 1 लाख क्वांटिटी, 2 लाख क्वांटिटी किसी भी शेयर का, किसी भी बड़े शेयर का, तो क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। अगर मैंने सेल किया तो मार्केट नीचे की तरफ जाता है। तो यहां से देखिए, यहां से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, यहां बायर्स एक्टिव हो गए। और ये चीजें नॉर्मल इन्वेस्टर को नहीं पता होती, रिटेल इन्वेस्टर को नहीं पता होता कि यहां से बायर्स एक्टिव होने वाले हैं। यहां पे आके आप क्या करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, छोटे-छोटे इन्वेस्टर, आप यहां पे आके सेल कर देते हैं। यहां से सोचते हैं कि और नीचे जाएगा, आप यहां पे आके सेल कर देते हैं। लेकिन यहां तो हमें बाई करना है, ये पॉइंट है हमें बाई करने वाला। तो अगर हमने यहां पे बाई नहीं किया, यहां पे सेल कर दिया, तब तो हमें लॉस भुगतना पड़ जाएगा, क्योंकि मार्केट तो यहां से ऊपर जाएगा हमेशा। देखिए ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसा चीज है जो कि मतलब रोज मार्केट में आपको देखने को मिलेगा, रोज आपको अपॉर्चुनिटी देगा। और अगर आप ये समझ जाते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो इजी तरीके से आप मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर सपोर्ट पे आता है तो आप बाई कीजिए, और अगर रेजिस्टेंस पे जाता है तो आप सेल कीजिए। ऐसे ही हमारा RSI होता है, ठीक है, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, जो कि मतलब ऐसे ही होता है। अगर ऊपर की तरफ हमारा गया, 70 तक गया, तो 70 पे ओवरबॉट हो जाता है, और उसके बाद अगर नीचे आता है तो ओवरसोल्ड हो जाता है। तो जब ओवरबॉट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां से हम लोग सेल कर देते हैं। जब भी ओवरसोल्ड होता है तो हम यहां से बाई कर लेते हैं। तो ऐसे ही ये चीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये जो RSI है, ऐसे ही मतलब ये चीजों पर काम करता है, ठीक है। तो यहां से मैं आता हूं, अभी प्राइस मेरा मान लीजिए कि 225 चल रहा है प्राइस। तो मैंने क्या किया, अंडर स्कोर 225, ये मैं निकाल रहा हूं सपोर्ट। देखिए सपोर्ट इक्वल टू सपोर्ट वन, आपने देखा होगा सपोर्ट वन, सपोर्ट टू, सपोर्ट थ्री, ऐसा लिखा रहता है, सपोर्ट वन, सपोर्ट टू और सपोर्ट थ्री। यहां से देखिए, आपने देखा होगा कि सपोर्ट वन, सपोर्ट टू, सपोर्ट थ्री, ये ऐसे ही थोड़े ना कि कोई भी बोल देता है कि ये पॉइंट हमारा सपोर्ट वन है, ये पॉइंट हमारा सपोर्ट टू है, ये पॉइंट सपोर्ट थ्री है। इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है, इसी से हम लोग सपोर्ट वन, सपोर्ट टू, सपोर्ट थ्री और सपोर्ट फोर निकालते हैं। देखिए चार प्रकार के लेवल्स हम लोगों ने सपोर्ट में निकाला, और चार प्रकार के लेवल हम लोग रेजिस्टेंस में निकालेंगे। तो यहां से मैंने 225 को अंडरस्कोर कर दिया, क्योंकि मार्केट प्राइस अभी ये हमारा मार्केट प्राइस है, मार्केट शेयर प्राइस, ठीक है, शेयर का मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 225 पे। माइनस फैक्टर मुझे क्या निकालना है, देखिए यहां 180 है, ठीक है, 180 से ऊपर मैं क्या लूंगा, ऊपर मैं 4 ले लूंगा, एक तो मैं 45 डिग्री ले लूंगा, फिर 90 डिग्री, फिर 135, फिर 180 डिग्री का मैं ले लूंगा, ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री छोड़ के इसके ऊपर हम लोग 135 ले लेंगे, 120 ले लेंगे, 90 डिग्री और 45 डिग्रीज का हम लोग ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट ले लेंगे। तो 225 माइनस फैक्टर मैं कितना लूंगा, फैक्टर पहला फैक्टर मेरा 0.25 का फैक्टर होगा, ठीक है, 0.25 का मैंने क्या किया, फैक्टर ले लिया। तो 0.25 का अगर मैं फैक्टर लूंगा तो यहां से मेरा आएगा सपोर्ट वन। आप देखते जाइए सपोर्ट वन मैं कैसे निकाल रहा हूं, 225 का मैंने क्या किया, अंडरस्कोर लिया, और उसके बाद 225 के अंडरस्कोर लेने के बाद फैक्टर वन मींस 0.25 और इसका होल स्क्वायर कर दिया, कितना आएगा यहां से, ये देखिए मैंने क्या किया, 225 अंडरस्कोर 225 कितना होता है आपको पता है, 15 होता है, ठीक है, 15 माइनस 0.25, ठीक है, होल स्क्वायर 14.75 का स्क्वायर, 14.75 का स्क्वायर अगर आप देखने जाएंगे तो इसके नीचे आएगा, कम से कम आप निकाल सकते हैं इसको 225 से 7 कम मतलब 118 के आसपास में आएगा, ठीक है, 118 के आसपास में आएगा। और वही अगर आप रेजिस्टेंस वन निकालने जाएंगे, यहां से मैं पहले आपको रेजिस्टेंस वन निकाल के दिखा देता हूं, क्योंकि वो ऊपर की तरफ होता है रेजिस्टेंस वन। तो मैंने जो यहां पे माइनस किया,
वही अंडर स्कोर 225 प्लस 0.25 का होल स्क्वायर इक्वल टू 15 प्लस 0.25 होल स्क्वायर इक्वल टू 15.25 का स्क्वायर इक्वल टू 232 के आसपास में आएगा 56। ठीक है, तो ये हुआ 232 मेरा ऊपर का रेजिस्टेंस हुआ। तो अभी क्या मैंने किया, ये हमारा अगर स्पॉट चल रहा है तो 232 मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस हुआ और 2 यहाँ पे 218 आएगा। ठीक है, 218 मेरा क्या हो गया, फर्स्ट सपोर्ट 1 और R1। ठीक है, इजीली आप निकाल सकते हैं और ये हमारा है स्पॉट। ठीक है, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है। और ऐसे ही हम लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना है। R1 हो गया एक और R2 हम लोग निकालेंगे अभी। R2 अभी कैलकुलेशन पर नहीं जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। और वो प्रोसेस, यहाँ से आपने सपोर्ट वन निकाल लिया और रेजिस्टेंस वन भी निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे सपोर्ट टू और रेजिस्टेंस टू। ठीक है, यहां से मैं निकाल रहा हूं सपोर्ट टू और रेजिस्टेंस टू। सपोर्ट टू क्या होगा, अंडर स्कोर 225 माइनस 0.25 के जगह मैं क्या कर दूंगा 0.50। ठीक है, इसका होल स्क्वायर तो ये कितना आ गया 15 माइनस 0.50 का होल स्क्वायर इक्वल टू 14.50 होल स्क्वायर। आप यहां पे निकाल सकते हैं कि कितना आया। ठीक है, वो हमारा हो जाएगा सपोर्ट टू। ठीक है, अब मैं आता है रेजिस्टेंस टू पे। रेजिस्टेंस टू आप निकाल लीजिए ऐसे ही 225 प्लस 0.50 इक्वल टू 15 प्लस 0.50 इक्वल टू कितना हुआ 15.50 का होल स्क्वायर। यहां पे आप निकाल सकते हैं, ये इजी तरीका है। देखिए अभी ये चीजें एकदम ही टेक्निकल में आप घुस रहे हैं, मैं आपको टेक्निकल, मैंने बोला था कि आपको टेक्निकल भी सारा कुछ पढ़ाऊंगा, तो अभी आप टेक्निकल में जा रहे हैं। अभी धीरे धीरे करके मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, आप देखते जाइए। ये पहले फैक्टर आप समझ लीजिए, डिग्री और फैक्टर हम लोगों ने कैसे निकाला। अभी मेरा सपोर्ट वन ये 45 डिग्री ले लिया हमने। ठीक है, सपोर्ट टू मैंने ले लिया 90 डिग्री। सपोर्ट थ्री मैं ले लूंगा 0.66 डिग्री, इसको मैंने सपोर्ट थ्री ले लिया। सपोर्ट फोर इक्वल टू ये हो गया हमारा 0.75 का, उसके बाद तो वन आ जाता है। तो ये हमारा सपोर्ट थ्री, सपोर्ट फोर, सपोर्ट टू और सपोर्ट वन होता है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस वन लेंगे, रेजिस्टेंस टू, रेजिस्टेंस थ्री और रेजिस्टेंस फोर निकालेंगे। आप देख लीजिए किसी भी वेबसाइट पे, आप जाके देख लीजिए एनएसई इंडिया या फिर आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे आप जाइए, investing.com के साइट पे जाइए, ऐसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाला हुआ है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला उसमें कुछ नहीं बताया गया है, उसमें सिर्फ बताया गया है कि ये हमारा सपोर्ट वन लेवल है, ये सपोर्ट टू, ये सपोर्ट थ्री और ये सपोर्ट फोर है। और वहीं से मार्केट रिवर्स क्यों होता है आपने देखा भी होगा, ये मार्केट चल रहा है और सपोर्ट टू पे गया, सपोर्ट वन को इसने क्रॉस कर दिया, सपोर्ट टू पे गया और सपोर्ट टू को क्रॉस नहीं कर पाया, यहां से थोड़ा ऊपर जाके और फिर यहां से आके कंसोलिडेट होके और मार्केट नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई, सपोर्ट टू पे ही क्यों ऐसा हो रहा है, सपोर्ट टू पे क्यों हो रहा है, सपोर्ट टू कुछ तो है इसका, कुछ तो है ये, इस ये महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है, तभी तो सपोर्ट टू सपोर्ट वन को मार्केट इसको रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर देखिए, अगर यहां से हम लोग ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे, अब इस चीज को समझना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सपोर्ट वन है, ठीक है, सपोर्ट वन को अगर मार्केट क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है और उसको ब्रेकआउट कर दिया है, ब्रेकआउट मीन्स ब्रेकआउट यहां से थोड़ा सा ऊपर जाने लगा है सपोर्ट टू की तरफ, तो आप क्या कीजिए, इसमें अभी ट्रेड मत लीजिए, इसको वेट कीजिए। जब भी ब्रेकआउट होता है, तो आपको वेट करना है अगले लेवल का। अगर आप वेट करते हैं सपोर्ट टू का, तो आप एकदम आराम से प्रॉफिट कमाएंगे। देखिए S1 अगर क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया तो इसको ब्रेकआउट होने दीजिए, बढ़िया से ब्रेकआउट होने दीजिए। और जो ये वाला फैक्टर है ना, 0.50 वाला फैक्टर, ये इसको ज्यादा सपोर्ट करता है मार्केट,
इसको ज्यादा रेस्पेक्ट करता है मार्केट, 0.50 0.25 वाला ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं करेगा, 0.66 वाला भी नहीं करेगा, लेकिन जो 0.50 वाला होगा ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसको ज्यादा मार्केट यहाँ पे ये सपोर्ट करता है और ये रेस्पेक्ट करता है। तो अगर सपोर्ट 2 पे जाता है ना, अभी सपोर्ट 1 को इसने क्रॉस कर दिया इजीली और सपोर्ट 2 पे गया, तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि सपोर्ट 2 से वो नीचे आएगा, क्योंकि सपोर्ट 2 को 90 डिग्री को, मैं देखिए 90 डिग्री को, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 1 नहीं बताऊंगा, 90 डिग्री को मार्केट रेस्पेक्ट करता है, इतना आप समझ लीजिए। मैंने चारों चीज बताया, लेकिन जो 90 डिग्री है ना उसको मार्केट ज्यादा सपोर्ट करता है और ज्यादा रेस्पेक्ट करता है। तो 90 डिग्री का वेट कीजिए, 90 डिग्री पे अगर मार्केट जाता है और उसको अगर थोड़ा सा ब्रेकआउट देता है और वहां से अगर उसका वॉल्यूम कम होने लगता है, ये वॉल्यूम का चार्ट जो है, वॉल्यूम का चार्ट ऐसे ऐसे आप बनाते हैं, वॉल्यूम का चार्ट अगर थोड़ा भी कम होने लगता है ना, इसका मतलब थोड़ा उसमें वीकनेस आने लगा है, थोड़ा वीकनेस आने लगा है, और यहीं से मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाता है। आप देखेंगे कि मार्केट सपोर्ट 2 90 डिग्री पे जाके और मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग पता लगाएंगे कि मार्केट कहां से ऊपर जाएगा और कहां से नीचे जाएगा, आप पता कर सकते हैं इजी तरीके से, आप पता कर लीजिए कि मार्केट कहां से कहां तक जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे, आप इसका यूज करके और मार्केट से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। और मैं दूसरी चीजें इसमें बताऊंगा, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस में प्लस करना है क्योंकि ये ऊपर की तरफ का लेवल है, ऊपर की तरफ का लेवल है, ये हमारा स्पॉट है, तो ये हमारा ऊपर की तरफ का लेवल है रेजिस्टेंस। और सपोर्ट में माइनस करना है, इतना ध्यान रखिए, सपोर्ट में माइनस करना है, ठीक है। और इसको याद रखने के लिए आप बस याद रख लिए पीएफ, सपोर्ट एक पीएफ है। देखिए पीएफ हम लोग कराते हैं सपोर्ट के लिए, अपने लाइफ के सपोर्ट के लिए हम लोग पीएफ कराते हैं, जिसे प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बस प्राइस और फैक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये अंडर स्कोर यहाँ पे रख दीजिए और फैक्टर पे होल स्क्वायर रख दीजिए। ये अंडर स्कोर को आप उल्टा करेंगे, अंडर स्कोर जब इधर जाता है तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, अंडर रूट ये ऐसे होता है तो एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप अंडर रूट डाल दीजिए और यहाँ पे स्क्वायर डाल दीजिए, और सपोर्ट है तो सपोर्ट में तो हमें माइनस डालना है, अगर रेजिस्टेंस है तो हमें प्लस डालना है। तो पीएफ याद रखिए, हमेशा पीएफ फॉर्मूला आप याद रखिए, पीएफ फॉर्मूला से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इजी तरीके से। तो अगर कुछ भी डाउट आता है इसमें, कुछ भी आपको समझना है, तो मैंने अभी तो पूरा आपको ये एक प्रोसेस बता दिया, ऐसे ही निकालना है। और यहां पे आप जाएंगे सपोर्ट 4, उसके बाद और भी है, और भी ये होता है यहाँ पे, ये मैंने अभी 0.25 का लिया, 50 का लिया, और यहाँ पे 50 के बाद हमारा आ गया 1 का, और यहाँ पे 1.5 का भी आएगा, एक 2 का भी आएगा, ठीक है। अभी मान लीजिए इसके नीचे आप जाएंगे 360 डिग्री वाले कॉलम्स में जाएंगे आप, तो और भी आएगा, इसके नीचे भी और भी है, 120 हो गया यहाँ पे, फिर 135, ठीक है। ये मैंने 180 डिग्री के रेस्पेक्ट में लिया है, यहाँ पे आप 360 डिग्री के भी रेस्पेक्ट में ले सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी 360 डिग्री के आप रेस्पेक्ट में लेने जाएंगे तो क्या होगा, अभी 45 नहीं लेना है हम लोग को, 90 डिवाइडेड बाई 360, ठीक है, 90 डिवाइडेड बाई 360 कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0.25, ठीक है। अब यहाँ पे 180 डिवाइडेड बाई 360 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.50, ठीक है। और यहाँ पे आ जाइए, 180 हो गया 270 डिवाइडेड बाई 360 इक्वल टू 1/3/4 इक्वल टू कितना हुआ, 0.75, ठीक है। और फिर 360 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1। तो देखिए ये चार फैक्टर आया, 0.25, 50, 75 और 1। तो 360 डिग्री के अगर उसमें लेते हैं, रेस्पेक्ट में लेते हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री को हमें सबसे बड़ा सपोर्ट मानना, ये एक सपोर्ट मानना पड़ेगा, पहला सपोर्ट। फिर उसके बाद हम लोग 180 डिग्री को दूसरा सपोर्ट मानेंगे, ये हमारा S1 हो गया, ये हमारा S2 हो गया, यहाँ पे S3 हो गया, ये 370 डिग्री वाला, और ये हमारा S4 हो गया 360 डिग्री वाला। तो देखिए इस ऐसे भी समझ सकते हैं, हमेशा आपको ध्यान रखना है आपके फैक्टर का। हमारा फैक्टर एक तो 0.25 होगा, 0.50, 0.75 और उसके बाद फैक्टर 1 होगा। तो ऐसे ऐसे करके आप समझ सकते हैं, 360 डिग्री के भी रेस्पेक्ट में आप निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें जो कुछ भी नहीं समझ में आया आपको, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और कुछ भी आपको डाउट आता है इसमें तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसमें डाउट सॉल्व करने का कोशिश करूंगा आपका। थैंक यू दोस्तों।